अगर आप कुत्ता पालेंगे तो कुत्ता आपके खिलाफ नहीं भौंकता है। एक कुत्ता हमारे देश का, जिसको पहले अमेरिका पालता था, 2007 से उस कुत्ते को चीन भी पालने लग गया। देश के गद्दार और चीन के वफादार के अंधभक्तों को भी हमारा देश जहां पहुंचा दिया इस फर्जी डिग्री वाले ने, इस तड़ी पार की सरकार ने, वहां से हमारे देश को निकलने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लगना है। देश की जनता है उसको पीने के लिए गौमूत्र और शिवलिंग को नहलाने के लिए बाकायदा दूध का उपयोग होता है। वो चीन के वफादार और भारत के गद्दार हैं, और उन गद्दारों के साथ जो खड़ा है बिहार में, उन सबको आपको हराना है। कि BSNL MTNL में 88,000 देशद्रोही हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को पहले आप देशद्रोही बताते हो, महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वालों पर मुकदमा चलेगा क्या? हमारे देश में दलितों के अस्तन ढकने पर, महिलाओं के अस्तन ढकने वालों पर मुकदमा चलेगा क्या? इस देश के गद्दारों ने, चीन के वफादारों ने हमारे देश में कोरोना का हवा खड़ा करके सब कुछ चौपट कर। मैं अभी नरेंद्र मोदी ने बोला लाल किले से कि नई शिक्षा नीति हमारी आई है। मैं राजधानी दिल्ली से जिक्र शुरू करता हूँ। दिल्ली नगर निगम के 9,000 शिक्षक हैं, पिछले 3-4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज हैं, उसमें वहाँ के स्टाफ और वहाँ के क्या शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। 30,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है राजधानी दिल्ली में। और आपको पता हो, गेस्ट टीचर से लेकर ठेकेदारी व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम देश भर में समय समय पर शिक्षकों की आत्महत्या का दुर्घटनाएँ उजागर होती रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया, शिक्षा नीति के लिए शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षकों को देने के लिए आपके पास वेतन नहीं है। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर कहा जा रहा है कि हर गांव को हम फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ देंगे। मैं आपसे एक माध्यम से कहता हूँ देव, कि अभी एक अनंत कुमार हेगड़े हैं, वरिष्ठ सांसद भाजपा के और पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने दावा किया है कि 88,000 BSNL MTNL के कर्मचारी देशद्रोही हैं। अब आप समझ लीजिएगा, आपको समझना होगा, और कहा हम इसे बेचने जा रहे हैं BSNL MTNL को। तो अब हम देशवासी ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, ये कैसा नया भारत है जहाँ तुम सब कुछ बेचने जा रहे हो, और बेचने से पहले क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि BSNL MTNL में 88,000 देशद्रोही हैं। मैं आपके माध्यम से BSNL MTNL के 88,000 कर्मचारियों, उनके परिवार के लोगों, उनके रिश्तेदारों से आग्रह करता हूं कि आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ है, और मेरे जैसा का भी अपमान है। मैं भूपेंद्र रावत BSNL का कस्टमर उपभोक्ता हूं, MTNL का मेरा फ़ोन नंबर है 9868 के नंबर से, शुरुआती तौर पर मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैसा नया भारत जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को पहले आप देशद्रोही बताते हो, जो हमारे देश के अंदर सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं उन्हें देशद्रोही बताते हो, अब आपने BSNL को बेचना है तो आप BSNL MTNL को बेचना है। न केवल इसका सिस्टम, इसकी जो संपत्ति है उन सबको नीलाम करना, अपने चहेतों को बेचना है, और तब आप कह रहे हैं कि BSNL MTNL में देशद्रोही लोग हैं। और फिर कहा जा रहा है हमारे देश में राम मंदिर का शिलान्यास के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश की हिफाजत के लिए राफेल, और राफेल को खतरा है, राफेल को बचाने के लिए नींबू और हरी मिर्च लटकाई गई, आप समझो। पहले हमारे देश के लोगों को, जो देश की जनता है उसको पीने के लिए गौमूत्र और शिवलिंग को नहलाने के लिए बाकायदा दूध का उपयोग होता है। हमारे देश और दुनिया के हिफाजत और सुरक्षा के लिए, राम मंदिर विकास के लिए, और राम मंदिर के शिलान्यास पे छोटे से कोरोना के वायरस से बचने के लिए मास्क की पद्धति। मैं एक बात कहना चाहता हूँ देव, हमारे देश के अंदर एक बड़ी बात बार बार कही जा रही है कि नया भारत, कैसा नया भारत। हमारे देश में रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया था, महाभारत काल में धनुर्धारी एकलव्य का अंगूठा कटाया गया था, और उसके बाद राजा रजवाड़ों के राज में दलितों की महिलाओं के अस्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया था। तो क्या नए भारत में महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वालों पर मुकदमा चलेगा क्या? हमारे देश में, नए भारत में एकलव्य का अंगूठा कटवाने वालों पर मुकदमा चलेगा क्या?
हमारे देश में दलितों के स्तन ढकने पर, महिलाओं के स्तन ढकने वालों पर मुकदमा चलेगा क्या? ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये स्लोगन देने वाले लोग हैं, नारे देने में चतुर हैं। अरे देश जानना चाहता है मूर्खों, हमारा पुराना भारत हमको लौटा दो भैया, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा नया भारत। हमारे पुराने भारत में 13,500 रेलें जब रोज सफर करती थी तो 15,90,000 परिवार जो बेंडरों के, वो चैन के साथ रोटियां खा रहे थे। हमें नहीं चाहिए पुराना नया भारत। हमारे देश का रेड़ी पटरी खोमचा वाले सुकून के साथ अपने परिवार को पाल रहे थे। हमें तुम्हारा नया कंगला भारत नहीं चाहिए। हमारे देश में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग खुशहाल थे। हमारे देश के उद्योग फर्स्ट क्लास चल रहे थे। हमारे देश के व्यापारी खुशहाल थे। हमारे देश के किसान जैसे तैसे जी रहे थे। हमारे देश को तुम्हारा नया भारत नहीं चाहिए, हमारा पुराना भारत लौटा दो। और मैं आपको बताता हूँ, ये नया भारत जब करते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा किस तरीके का नया भारत है, उस हर एक की क्रोनोलॉजी। मैं नया भारत में जोड़ना चाहता हूँ कि जब 519 मामले थे कोरोना के तो देश में ताला लगवा दिया, और जब 17,00,000 से ज़्यादा हो गए तो पूरे देश का ताला हटा दिया। अब इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। बिहार चुनाव को किस तरह से देखा? बिहार का चुनाव तो देखिए उसके कारण है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, कोरोना से अकेले कोरोना से कोई नहीं मरता। कोई धरती पर ऐसा नहीं है जो सिर्फ कोरोना से मरा हो। लेकिन कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस देश के गद्दारों ने, चीन के वफादारों ने हमारे देश में कोरोना का हवा खड़ा करके सब कुछ चौपट किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तब मैं बिहार पाता हूँ। जो आप लोगों को बताया जाता है चीन का और अमेरिका का कोई झगड़ा नहीं है, अगर आप कुत्ता पालेंगे तो कुत्ता आपके खिलाफ नहीं भौंकता है। एक कुत्ता हमारे देश का जिसको पहले अमेरिका पालता था, 2007 से उस कुत्ते को चीन भी पालने लग गया। और सब झगड़ा क्या है चीन का और अमेरिका का? अमेरिका ने कहा तुम सिर्फ हार्ड, मतलब तुम अपने मशीनें बनाओगे, जो सॉफ्टवेयर का काम है हमारा होगा। चीन ने सॉफ्टवेयर में कदम रखा, झगड़ा वहां से शुरू हुआ। और इसे कहा गया, जो भारत में पल रहा है अमेरिका और चीन के टुकड़ों पर, इसे कहा गया कि देखो तुमको हम पूरा संसाधन लगाएंगे पर तुम भारत के उद्योगों को चौपट करोगे। बोला चौपट कैसे करेंगे? इसकी पटकथा लिखी गई 2019 में, कहा कि आप भारत में ताला लगा दोगे और ताला लगा के जब फैक्ट्रियां बंद होंगी और 3 महीने तक जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो लोहे की मशीनें खराब हो चुकी होंगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देशभक्तों को भी और देश के गद्दार और चीन के वफादार के अंधभक्तों को भी, हमारा देश जहाँ पहुँचा दिया इस फर्जी डिग्री वाले ने, इस तड़ी पार की सरकार ने, वहाँ से हमारे देश को निकलने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लगना है। मैं बिहार वासियों से अनुरोध करता हूँ, बिहार के लोगों से अनुरोध करता हूँ, हर क्रांति चाहे वह गांधी जी का चंपारण रहा हो, जेपी आंदोलन रहा हो, और अब हमारे देश को तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले की सरकार और संघ की सरकार से बचाने के लिए, देश के गद्दार और चीन के वफादारों से बचाने की अग्नि परीक्षा आप लोगों के सामने है। बिहार के लोगों, आपको नहीं भूलना है कि 14 करोड़ लोग जब मजदूर सड़कों पर पैदल चले भूखे प्यासे, उनके पैरों से खाद निकल गई थी, पस टपकने लग गया था, गर्भवती महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बच्चे पैदा किए, और चलते चलते भूख से मरने वाले, गाड़ियों से रेल से कटने वाले और गाड़ियों से दबकर मरने वाले उन मजदूरों के योगदान कुर्बानियों को आप याद रखेंगे। ये देश के गद्दार और चीन के वफादार ने कोरोना से न कोई तब मरा था। मैं भूपेंद्र रावत आपसे एक और आग्रह करता हूँ, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स में आप जाकर देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो। मैंने 26 मार्च से ही कहा था न लॉकडाउन से कोरोना का संक्रमण रुकेगा। राजधानी दिल्ली के 59,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक भी हो गए। दिल्ली के लाला सरकार को भी मालूम नहीं है, और केंद्र के लाला सरकार को, देश के गद्दार चीन के वफादार गिरोह को भी मालूम नहीं है, और न उन 59,00,000 लोगों को मालूम है जो कोरोना से निजात पा चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ देश में घर घर कोरोना पहुँच चुका है, कोरोना से डरने की इतनी जरूरत नहीं है जितना बड़ा ये हवा खड़ा किया गया है। आप सबसे बड़ा विकल्प किसका? चुनाव के लिए मोदी साहब का। वही मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ में
जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के गद्दार और चीन के वफादार कौन लोग हैं जिन्होंने सीमा पर हमारे जवानों की शहादत के बाद ये कहा वो ज़मीन हमारी नहीं है, वो चीन के वफादार और भारत के गद्दार हैं, और उन गद्दारों के साथ जो खड़ा है बिहार में उन सबको आपको हराना है, और जो उनके खिलाफ खड़ा है उन सबको विजय बनाना है। धन्यवाद।